युवा देश की शक्ति और उसका आधार होते हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण विदिशा में देखने को मिला। दरअसल अयोध्या में रहने वाले आशुतोष पांडे, जो दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में नौकरी करते थे, मोटी पगार भी लेते थे, लेकिन कोरोना काल में अपने दो साथियों को ऑक्सीजन की कमी के चलते उन्होंने खो दिया। उसके बाद उन्होंने वातावरण में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए पर्यावरण संरक्षण का बीड़ा उठाया। वृक्षों को लगाने से ही ऑक्सीजन की कमी दूर की जा सकती है, इसी बात को आधार मानकर उन्होंने पूरे देश में पदयात्रा प्रारंभ की। दिसंबर 2022 में अयोध्या से शुरू हुई उनकी यात्रा 26 जनवरी 2026 को अयोध्या में संपन्न होगी। इस दौरान उन्होंने 16,000 किलोमीटर की पदयात्रा करने का लक्ष्य बनाया है। तकरीबन 14 राज्यों से होकर 11,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर वह विदिशा पहुंचे। आशुतोष ने कलेक्टर से मुलाकात कर यहां सघन वृक्षारोपण करने के संबंध में चर्चा की। आशुतोष ने बताया कि शिक्षा प्रक्रिया में बदलाव जरूरी है, जो पर्यावरण से जोड़कर देखा जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा जब स्कूल में प्रवेश करता है, तब उसके नाम पर एक वृक्ष स्कूल की ओर से लगाया जाए। इनकी देखरेख की जिम्मेदारी स्कूल और बच्चों के पालकों को दी जाए। यदि ऐसा नियम लागू होता है, तब साल भर में मध्य प्रदेश में 50 लाख और पूरे देश में 20 करोड़ पौधे हर साल रोपे जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि अगर किसी प्रकार से पर्यावरण का नुकसान हो रहा, तो 2030 तक देश में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, उसे रोकने के लिए ही यह कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 2026 को अयोध्या में यात्रा खत्म होगी, वहां 1 लाख वृक्ष लगाए जाएंगे। इस बगीचे को राम वाटिका का नाम दिया जाएगा। मेरा नाम आशुतोष पांडे है। मैं पूरे देश की वंदे भारत पदयात्रा पर्यावरण के लिए कर रहा हूँ। 4 दिसंबर 2022 को ये यात्रा अयोध्या शुरू की गई। 14 राज्य के बाद फिलहाल 11,000 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी करने के बाद मैं अभी विदिशा में पहुँचा हूँ। यहाँ पे कल प्लांटेशन किया जाएगा। अभी माननीय जिलाधिकारी जी को मिलकर ज्ञापन दिया जाएगा और उनको ज्ञापन देने के साथ शिक्षा व्यवस्था के अंदर एक पॉलिसी डिमांड की जा रही है। मैं चाहता हूँ क्लास 1 से क्लास 12 के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आए। फ्रॉम दी स्टार्टिंग सेशन, जब बच्चा स्कूल जाता है, तब बच्चे को स्कूल तक से आप एक पेड़ दीजिए। बच्चा उस पेड़ को प्लांट करे, उसकी एनुअल ग्रोथ के आप उसको बोनस मार्क्स दीजिए। अगर ऐसा कर पाए तो हर साल मध्य प्रदेश में 50 लाख पेड़ और पूरे देश की बात करें तो 20 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगा पाएंगे और 20 करोड़ युवाओं को पर्यावरण के प्रति हम जोड़ पाएंगे। कारण ये पिछले 7 साल से मैं दिल्ली में था, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा था। कोविड काल में मेरे दो दोस्त थे जिनकी ऑक्सीजन न मिलने की वजह से डेथ हो गई। उस टाइम फिर मुझे रियलाइज हुआ जिस पैसे के पीछे मैं भाग रहा हूँ, आज नहीं तो कल ये पैसा भी छोड़ के जाने वाला है। और अगर पर्यावरण के प्रति काम कर पाए, अपनी धरती माँ के लिए आप काम कर पाए, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। इसी चीज़ को लेकर मैं पदयात्रा करते हुए 2026 में यात्रा अयोध्या में समाप्त होगी, जहाँ पर 26 जनवरी 2026 को अयोध्या में 1 लाख वृक्ष लगाया जाएगा, जिसको राम वाटिका का नाम दिया जा रहा है। मेरी 16,000 किलोमीटर की टोटल यात्रा है, 11,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो चुकी है अभी तक। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।